मित्रों, पटवारी परीक्षा का जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का टॉपिक है, उसका जो ये टॉपिक है ना, ग्रामीण वित्त रूरल फाइनेंस, इसका बहुत बेसब्री से, जी हाँ, बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे। देखिए आ गया ना, आ गया ग्रामीण वित्त रूरल फाइनेंस, आ गया, इसका स्वागत कीजिए। और हाँ, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? इसमें हम पढ़ेंगे गाँव के लोगों को कैसे पैसा मिलता है, उनके जो खेती बाती है, उनका जो दूध का व्यापार है, उनका जो भी फाइनेंस है वो कैसे होता है, ये आज समझ लेंगे। इस टॉपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई शिफ्टों में इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक पे, देख लीजिए पहले एक नज़र, फिर एक्सप्लेन करते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे भाई RBI, नाबार्ड, SIDBI। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये कुछ बड़े बैंक हैं, रेगुलेट करते हैं और रिफाइनेंस करते हैं। कौन कौन? RBI, नाबार्ड, SIDBI। मित्रों एक बात बोलूँ, ये जो टॉपिक है थोड़ा इंग्लिश में है, इंग्लिश हिंदी मिक्स करूँगा। क्यों? क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है बैंकिंग की कि इंग्लिश में आप जल्दी समझोगे और क्वेश्चन पेपर भी आप ये इंग्लिश में देखना, दोनों में रहता है इंग्लिश हिंदी में, तो इसको मैं इंग्लिश हिंदी में दोनों मिक्स करके करूँगा। जहाँ दिक्कत होगी कमेंट में बताइएगा। तो ग्रामीण वित्त रूरल फाइनेंस में क्या क्या पढ़ेंगे? RBI, नाबार्ड, SIDBI, सेल्फ हेल्प ग्रुप, PSL क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, बताऊंगा, सब बताऊंगा, अभी नाम देख लीजिए। कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ेंगे, KCC पढ़ेंगे भैया, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC। और क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? इसमें मध्य प्रदेश में कौन से ग्रामीण बैंक हैं वो पढ़ेंगे, मध्यांचल ग्रामीण बैंक और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, साथ में ही RRB का ओवरऑल क्या सिचुएशन है, ये सब देख लेंगे। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। गाड़ी, तो गाड़ी अपनी स्टार्ट होगी डायरेक्ट RBI से, जी हाँ, टाइम मशीन में बैठ के हम पहुंच जाएंगे 1934 में। 1934 में एक RBI एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? RBI एक्ट कब आया था? 1934 में। उस वक्त शासन किसका था? अंग्रेजों के शासन में। अंग्रेजों के शासन में कौन सा एक्ट आया? RBI एक्ट आया। कब आया? 1934 एक्ट आ गया, आ तो गया एक्ट। फिर बैंक कब बना? 1 अप्रैल 1935, जी हाँ, बैंक बनने की डेट क्या है? 1 अप्रैल 1935, एक साल बाद बना। कोई भी एक्ट आता है उसके लगभग अगले साल ही कोई विभाग बनता है, तो एक्ट कब बना? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल इसीलिए फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से, आपको पता होना चाहिए, 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है मित्रों। तो चलिए, RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई, जी हाँ, सपनों की नगरी मुंबई, बॉम्बे। और ये RBI जो है रेगुलेटर होता है सभी बैंकों का। रेगुलेटर मतलब ये बताता है सारे बैंकों को कि कैसे काम करना है, कैसे लोन देना है, क्या क्या आपके फॉर्मेलिटी होना चाहिए, क्या क्या नियम होना चाहिए, ये सारी बातें RBI करता है। RBI ना केवल रेगुलेट करता है, बाकी जब संकट में कोई बैंक होता है उसको रिफाइनेंस भी करता है, मतलब उसको वित्तीय मदद भी देता है। तो ये है RBI। अब चलिए गाड़ी घुमा लीजिए नाबार्ड की ओर गाड़ी को घुमा लीजिए। देखिए नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मित्रों तो चलिए ये नाबार्ड की कहानी देख लेते हैं। नाबार्ड भी क्या है? रिफाइनेंस और रेगुलेट करता है, जी हाँ, ये भी रिफाइनेंस करता है। रिफाइनेंस किसको करेगा? जो बाकी बैंक है ना, RRB, कोऑपरेटिव, ये सारे बैंक जो लोन देते हैं गांव में, इनको पैसा कौन देगा? इनको पैसा नाबार्ड देता है, रिफाइनेंस करता है नाबार्ड बहुत सारी योजनाओं का। और जी हाँ, नाबार्ड भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में काम करता है, किसके लिए? RRB और कोऑपरेटिव बैंक के लिए। सबसे बड़ा रेगुलेटर RBI है, उसके बाद है नाबार्ड। नाबार्ड जो है RRB और कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट करता है। मित्रों आइए SIDBI को देखिए, SIDBI को पहले नाबार्ड का आप वो देख लीजिए, कहाँ पे हेडक्वार्टर? मुंबई पे है। जहाँ RBI का वहीं नाबार्ड का, जहाँ RBI का है वहाँ नाबार्ड का, जहाँ RBI का वहीं नाबार्ड का। डेट देख लीजिए, नाबार्ड कब बना? 12 जुलाई 1982 नाबार्ड। तो आपने RBI देख लिया, आपने नाबार्ड देखी है, चलिए आप SIDBI देखते हैं। SIDBI क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाम से स्पष्ट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज मतलब जो छोटे उद्योग धंधे हैं ना, उसको, छोटे उद्योग धंधों को फाइनेंस करता है, MSME को फाइनेंस करता है। MSME पिछले लेक्चर में बताया हूँ, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, जो सूक्ष्म है, माइक्रो स्मॉल हैं लघु, और मीडियम मतलब मध्यम, ऐसी जो इंडस्ट्रीज है, जो गांव में छोटे छोटे उद्योग होते हैं ना, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उनको कौन पैसा देता है? उनको SIDBI देता है, उनकी योजनाएं SIDBI में चलती हैं MSME की। कब बना? 2 अप्रैल 1990। कब बना? 2 अप्रैल 1990 बना। कब? 2 अप्रैल 1990। और कहाँ है? लखनऊ। तो मित्रों आपने तीन बैंक यहाँ पढ़ ली इंपॉर्टेंट, RBI, नाबार्ड और SIDBI।
आरबीआई मुंबई में है, नाबार्ड मुंबई में है और सिडबी लखनऊ में है। आरबीआई कब बना 1935 में, नाबार्ड कब बना 1982 में और सिडबी 1990 में। आपने देखा कि नाबार्ड जो है आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक को रीफाइनेंस करता है और सिडबी एमएसएमई को फाइनेंस करता है, और आरबीआई तो सबका बाप है, सबका रेगुलेटर है, सबको फाइनेंस कौन करता है, आरबीआई करता है। सबका बॉस कौन है, आरबीआई। सबका बॉस कौन है, आरबीआई। चलिए मित्रों आगे देखते हैं आरआरबी की कहानी, रूरल बैंक की कहानी, रीजनल रूरल बैंक, जी हाँ क्षेत्रीय रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कहानी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में दो क्षेत्रीय बैंक इस वक्त कार्य कर रहे हैं। कितने क्षेत्रीय बैंक कार्य कर रहे हैं, दो। जी हाँ, दो क्षेत्रीय बैंक कार्य कर रहे हैं। पूरे भारत में कितने हैं, 43। पूरे भारत में कितने हैं, 43 हैं। कितने 43, 43 हैं, 43, 44 नहीं है, 43। कितने हैं, 43। 2 अक्टूबर 1975 को गठन हुआ, गांधी जी के जन्मदिन में आरआरबी का गठन हुआ। कब हुआ, 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 में आरआरबी का गठन होता है। मित्रों जो मध्य प्रदेश में दो ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं उनका नाम क्या है भैया, मध्यांचल ग्रामीण बैंक। क्या नाम है, मध्यांचल ग्रामीण बैंक। फिर से बोलिए, मध्यांचल। जी हाँ, मध्यांचल ग्रामीण बैंक। कौन सा मध्यांचल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सागर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, सागर में हेडक्वार्टर। मित्रों मध्यांचल ग्रामीण बैंक जो है उसको फाइनेंस कौन करता है, फाइनेंस करता है एसबीआई। इसका जो फाइनेंसर बैंक है एसबीआई फाइनेंसर बैंक, मतलब जो करता धरता है, पैसा भी देता है और पूरा रेगुलेट करता है, इसको कौन करता है, एसबीआई के अंदर काम करता है मध्यांचल ग्रामीण बैंक। चलिए मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इंदौर। इंदौर में है हेडक्वार्टर किसका, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का। अगर मैं आपसे पूछूं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप क्या कहेंगे, इंदौर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर है इंदौर। कहाँ है, इंदौर। तो सागर का किसका है, मध्यांचल। सागर किसका है, मध्यांचल। मध्य प्रदेश इंदौर, जब पूरा मध्य प्रदेश में बोल दूं तो इंदौर बोल दीजिए, जब केवल मध्यांचल बोलूं तो सागर बोल दीजिए। मित्रों मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक कब बना, लेटेस्ट है 1 अप्रैल 2019। छोटे छोटे बैंकों को मिला के बना मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। पहले बहुत सारे रूरल बैंक काम करते थे, उनको मिला के मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक बना कौन, 1 अप्रैल 2019। इसका जो कर्ता धर्ता बैंक कौन सा, बैंक ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का कर्ता धर्ता बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। बोलो भैया बैंक ऑफ इंडिया, जोर से बोलो बैंक ऑफ इंडिया। और इसका एसबीआई, इसका एसबीआई किसका, मध्यांचल का एसबीआई और मध्य प्रदेश का बीओआई, एसबीआई बीओआई। अब देखिए आरआरबी की कहानी समझ लीजिए, आरआरबी के पास जो पैसा आता है उसको कौन कितना देता है, जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, वो 50% देती है, जो स्पॉन्सर बैंक है वो 35%, और जो राज्य है ना, जैसे मध्य प्रदेश राज्य, मात्र 15% देते हैं। कितना देते हैं, मात्र 15%। सबसे ज़्यादा केंद्र, फिर बैंक, फिर अपना राज्य, केंद्र सबसे ज़्यादा, फिर बैंक, फिर अपना राज्य, केंद्र बैंक राज्य। कितना, 50%, 35, 15। तो बताइए मध्यांचल ग्रामीण बैंक को कौन फाइनेंस करता है, एसबीआई, और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक को बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे चलिए, केसीसी कहानी बताइए सर, किसान क्रेडिट कार्ड। यहाँ क्रेडिट कार्ड है, किसानों को मिलता है लोन लेने के लिए, जैसे आपको मिलता है ना। तो 1998 में इसकी शुरुआत किए थे श्री यशवंत जी उस वक्त वित्त मंत्री थे, अटल बिहारी सरकार थी, तो यशवंत जी ने इसको स्टार्ट किया 1998 में। कब हुआ, 1998 में केसीसी में। मित्रों पूरे भारत में जो योजना है, जो छः महीने के लिए लोन लेते हैं या हाफ ईयर के लिए लोन लेते हैं, तो 4% ब्याज लगता है। कितना ब्याज लगता है, 4% ब्याज लगता है हाफ ईयर के लिए, 6 महीने के लिए, अर्धवार्षिक के लिए कितना लगता है, 4%। कितना लगेगा, 4%, और पूरे साल के लिए 7%, 7, 7, 7, 7, 7, 7। तो 4 और 7 याद कर लेंगे। मध्य प्रदेश में सब्सिडी मिली हुई है और हर साल चेंज होता है। तो मध्य प्रदेश में जो लेटेस्ट डेटा है वो मैं करंट अफेयर में कवर करूंगा। कई बार 0% में भी लोन मिलता है केसीसी में, मध्य प्रदेश सब्सिडी देता है, लेकिन ओवरऑल रेट अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो 4% लगाएंगे किसके लिए, अर्धवार्षिक के लिए, और एक साल के लिए 7%, 4% और 7%। मित्रों केसीसी लेने से एक फ़ायदा और है, आपका बीमा हो जाता है। जी हाँ, बीमा हो जाता है। और एक बात और, अगर डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ है, तो 50,000 का मुआवजा मिलता है, और अगर डेथ नहीं, विकलांगता बस हुई, हाथ पांव बस टूटे हैं, तो मात्र 25,000 आपको मिलेगा मित्रों। और मित्रों आप ये मत समझिए बहुत कम पैसा है, 50,000। जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल पाते रातों को, उनसे पूछिए इन पैसे की बातों को, ये पैसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए।
आप ये मत समझिए कि छोटी रकम 50,000 25,000 50,000 में पूरे साल का खर्चा चल जाता है। ठीक है मित्रों आगे चलिए, अब बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स की। कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करेंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा होगा कमेंट में कीजिएगा, मैं हिंदी में फिर से आपको समझा दूंगा क्योंकि बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा इंग्लिश से आपको सीखना पड़ेगा। कोऑपरेटिव बैंक चलिए देखते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक भैया सबसे बड़ा जो होता है वो राज्य कोऑपरेटिव बैंक कहलाता है। क्या राज्य? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मैंने शॉर्ट में लिखा है एसटीसीबी। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो टॉप में होता है, उसके नीचे होता है डीसीसीबी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होता है उसके नीचे, और फिर सबसे नीचे होता है पीएससी, प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी। ये प्राथमिक इकाई है, गाँव में जो लोन पहुँचाता है पीएससी वो कहलाता है पीएससी। गांव में जो लोन पहुंचाता है वो पीएससी कहलाता है, प्राथमिक एग्रीकल्चरल सोसाइटीज पीएससी, और ये डीसीबी और ऊपर एसटीसीबी। मित्रों पहली पीएससी मतलब पहली जो यूनिट बनी थी, प्राथमिक जो यूनिट बनी थी एग्रीकल्चर सोसाइटी की, वो कब बनी? 1904 में। 1904 में डेट आ सकती है, 1904 में। कब? 1904 में बनी थी। कब बनी थी? 1904 में। देखिए तीन लेवल में है, विलेज लेवल पे पीएससी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और टॉप लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है तीन लेवल पे ये कार्य करता है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स गांव में भी होते हैं और शहर में भी होते हैं। तो अर्बन का नहीं पढ़ेंगे, यू मतलब अर्बन और आर मतलब रूरल, तो अपने को रूरल पढ़ना है, केवल अर्बन नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जी हाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो जो दो टाइप के अपने ग्रामीण में भी दो टाइप के कोऑपरेटिव बैंक्स लगते हैं, एक तो लेवल मैंने बता दिया आपको पीएससी डीसीबी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके अलावा लोन के आधार पर दो भागों में विभाजित है, एक तो शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है? एक से तीन साल का लोन को कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट अवधि का लोन, लघु अवधि का लोन, एक से तीन साल तक का लोन, तीन से ऊपर हो गया तो लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन जो, तो एक से तीन साल तक के जो लोन होते हैं ये कौन देते हैं? वो ये देते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़। और फिर तीन साल से अगर ऊपर का लोन लेना है आपको तो स्टेट रूरल डेवलपमेंट बैंक होता है। कौन सा? स्टेट रूरल डेवलपमेंट बैंक, राज्य रूरल डेवलपमेंट बैंक और प्राइमरी रूरल डेवलपमेंट बैंक। प्राइमरी रूरल डेवलपमेंट बैंक, प्राथमिक रूरल डेवलपमेंट बैंक। देखिए जहाँ डेवलपमेंट आ गया वहाँ तीन साल से ऊपर, तीन साल से ऊपर तो चाहिए ही, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। तीन साल से ऊपर होगा तभी ना कुछ डेवलपमेंट होगा, इतने जल्दी तो होगा नहीं। और जहाँ केवल लोन लेना है वो एक से तीन साल, वो राज्य जिला और प्राथमिक से आप लोन ले लेंगे। मित्रों अब मैं जो बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अब है, लास्ट में रखा था आपके लिए कि जो जो लोग वीडियो पूरा देखेंगे वो उसको गेन करेंगे, बाकी लोग गेन नहीं करेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। जी हाँ भारत सरकार ने बोला है सभी बैंकों को कि आप जितना लोन देते हैं उसमें से कुछ परसेंट लोन आपको इस किसी किसी सेक्टर में देना ही देना है, फिक्स देना ही देना पड़ेगा। तो वो कितना देना पड़ता है चलिए जान लेते हैं। 40% जो लोन है, मतलब कोई 100 करोड़ बैंक लोन देता है एक साल में, तो 40 करोड़ लोन प्रायोरिटी सेक्टर में, मतलब 40 करोड़ लोन फिक्स है कि किन सेक्टर में देना है, बाकी 60 करोड़ अपनी मर्जी से दे सकता है। तो 40 करोड़ पूछ लेगा पीएसएल कितना है, तो आप कहेंगे 40%। पीएसएल पूछ लेगा 40%। पीएसएल का फुल फॉर्म प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फुल फॉर्म किसका है? पीएसएल का। 40% लोन जो है फिक्स है, कहाँ देना है? ऐसी जगह देना है जहाँ के लोग जनरली लोन नहीं पाते हैं। वो कौन कौन से सेक्टर हैं देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछेगा क्वेश्चन में। कृषि में इस 40% में 18% लोन किसको देना है? कृषि को देना है। किसको देना है? कृषि को देना है। कृषि को 7.5% सूक्ष्म को, 7.5% सूक्ष्म को, 10% कमजोर वर्ग को। जी हाँ 10% लोन कमजोर वर्ग को देना है। 10% किसको देना है? कमजोर वर्ग को देना है। कितना देना है कमजोर वर्ग को? 10%। सूक्ष्म को 7.5% और कृषि को 18%। कृषि को 18% डायरेक्ट पूछेगा, कृषि को कितना लोन मिलेगा? कम से कम 18%। सूक्ष्म को, सूक्ष्म इकाइयाँ जो है ना, सूक्ष्म इंडस्ट्रीज हैं उनकी बात हो रही है, 7.5%। और कमजोर वर्ग जो है महिलाएं हैं, एससी एसटी वीमेन, जो तीन वर्ग महिलाएं एससी एसटी वीमेन, इनको कमजोर माना जाता है, इनको 10% कम से कम लोन मिलेगा साल भर का जितना भी लोन बटता है। मित्रों तो 18%, 7.5%, 10% ये याद करना है आपको, और ओवरऑल 40%, ओवरऑल 40% याद करना है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर लेते हैं। SHG गांव में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मिलके स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ मतलब खुद का, हेल्प अपने आप की मदद करना, और ग्रुप मतलब संगठन। बहुत सारे लोग मिलके अपनी खुद की हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? कुछ ना कुछ कारोबार शुरू करते हैं। कारोबार शुरू करने के लिए पैसे कौन देता है? बैंक देता है। बैंक देता है, ऐसा ही एक योजना चलती है सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, पूछ सकता है आजीविका, आजीविका स्वयं सहायता समूह, आजीविका स्वयं सहायता समूह। जी हाँ आजीविका स्वयं
सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह आजीविका का ये आपको मित्रों चलता है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आजीविका स्वयं सहायता समूह। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा मिलता है वो बैंक के थ्रू तो मिलता भी है, माइक्रो फाइनेंस के थ्रू भी मिलता है। इसका अलग ही टॉपिक है, बस इतना जानिए। माइक्रो फाइनेंस जो एनबीएफसी कंपनी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उनको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। जैसे आपका मुथूट फाइनेंस हो गया, जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं ना गाँव में लोन बांटती हैं उसको। साथ ही साथ जो बहुत अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको नाबार्ड भी डायरेक्ट लोन प्रोवाइड कर देता है। नाबार्ड, जी हाँ नाबार्ड, जो ऊपर हम पढ़े ना नाबार्ड ये। तो मित्रों इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत सारा सर पढ़ लिया, कुछ याद नहीं है, आपने क्या क्या बोल दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए आपको रिवाइज करा देते हैं। फास्ट आपने पढ़ा ग्रामीण वित्त, रूरल फाइनेंस कैसे होता है, उसमें आपने पढ़ा आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी। आरबीआई के बारे में आपने पढ़ा कि मुंबई में है भैया, 1 अप्रैल 1935 को बना और रेगुलेट करता सारे बैंकों को, ठीक है। नाबार्ड के बारे में क्या आपने पढ़ा कि ये आरआरबी कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, कब बना, 12 जुलाई 1982 को। एमएसएमई को कौन पैसा देता है, सिडबी देता है, कब बना, 1990 में, कहाँ है, लखनऊ में। आपने ठीक है ये पढ़ लिया। फिर आपने क्या पढ़ा, आरआरबी की कहानी पढ़ी, रूरल बैंक की कहानी पढ़ी। आपने जाना दो है मध्य प्रदेश में, कौन कौन से, मध्यांचल और मध्य प्रदेश, मध्यांचल ग्रामीण बैंक और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। मध्यांचल ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर सागर में, इसको वित्त पोषण कौन करता है, एसबीआई। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक कहाँ, इंदौर में, इसको वित्त पोषण कौन करता है, बैंक ऑफ इंडिया। कब बने मध्यांचल, बना आपका 1 नवंबर 2012 और मध्य प्रदेश बना 1 अप्रैल 2019। साथ ही साल जो आरआरबी का स्ट्रक्चर है उसमें 50% पैसा केंद्र देता है, बैंक आपका 35% देता है और 15% कौन देता है, राज्य देता है, ये आपने पढ़ा। फिर आपने किसान क्रेडिट कार्ड पढ़ा जो 1998 में लॉन्च हुआ यशवंत सिन्हा द्वारा, और जिसमें 4% अर्धवार्षिक और 7% वार्षिक लोन दर है, 4% अर्धवार्षिक और 7% वार्षिक। साथ ही साथ बीमा मिल जाता है, मृत्यु 50,000 और विकलांगता भी 25,000। मित्रों साथ ही साथ आपने कोऑपरेटिव बैंक पढ़ा, 3 लेवल पे होते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी, स्टेट सबसे ऊपर, फिर मिडिल में डिस्ट्रिक्ट और अंत में प्राइमरी। प्राइमरी से विलेज को लोन मिलता है। पहली प्राइमरी कहाँ बनी थी, कब बनी थी, 1904 में बनी थी, कब बनी थी, 1904 में। मित्रों आपने ये भी पढ़ा कि जो 1 से 3 साल का लोन होता है उसे लघु लोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लघु लोन, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन 3 साल से ऊपर। तो शॉर्ट टर्म लोन राज्य, डिस्ट्रिक्ट और प्राथमिक जो इकाइयाँ हैं वो देते हैं, और जो लॉन्ग टर्म लोन है इनके बैंक के नाम अलग है, वहाँ डेवलपमेंट वर्ड आ जाएगा, स्टेट रूरल डेवलपमेंट बैंक और प्राइमरी रूरल डेवलपमेंट बैंक। साथ ही साथ आपने पढ़ा पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, क्या पढ़ा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिस कुल लोन का 40% लोन प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। प्रायोरिटी मतलब बहुत प्रायोरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सेक्टर। तो कौन कौन से सेक्टर है, कृषि है, सूक्ष्म और कमजोर, बहुत सारे हैं लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। तो एग्रीकल्चर में 18% कम से कम लोन देना है, सूक्ष्म इकाइयाँ जो हैं छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको 7.5%, और जो कमजोर वर्ग हैं उनको 10%। कमजोर वर्ग आप समझिए ना एससी एसटी और वुमेन। मित्रों सेल्फ हेल्प ग्रुप मैंने बताया आजीविका योजना उनके लिए चलती हैं, और पूरी योजनाएं तो मैं एक वीडियो में कवर ही कराऊंगा, पंचायत और ग्रामीण से रिलेटेड एक योजना और जितनी भी संस्थाएं हैं उसको सेपरेट वीडियो लूंगा। मित्रों कैसा लगा लेक्चर बताइएगा, थोड़ा फास्ट होगा मुझे मालूम है आपका फास्ट होगा, क्योंकि आपका टाइम कीमती है, देखिए आपका टाइम कीमती, कम समय में ज़्यादा फैक्ट आपको देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने वीडियो पॉज किया ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। आप लोग बोलते हैं कि भैया पीडीएफ, तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर टेलीग्राम में पीडीएफ भी दे दूंगा मैं। मित्रों एक बात और, इसको आप कम से कम 2 से 3 बार सुनिए तब आपको रट जाएंगी चीज़ें, और इसका नोट्स जैसे है आप इसका कॉपी में भी बनाने की कोशिश कीजिए अपने से, तो आपको जल्दी रटेंगी। और बाकी चीज़ें जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बेधड़क कमेंट किया करिए मित्रों, बेधड़क। धन्यवाद।